السلام الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يقصر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جن کی چند ہی احادیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وحی فرمائی اور وحی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تواضع اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو کمتر بناؤ تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر تکبر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. تواضع ایک اہم صفت ہے جس سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تواضع کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو اس کی عزت و عظمت ہے، جو بلندی ہے، وہ اپنے لیے اس سے کم درجے کو پسند کر لے اور اس پر راضی ہو جائے، اور اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے بھائی کے سامنے اخلاق کا معاملہ کرے، نرمی کا برتاؤ کرے، اس کے احترام کا خیال کرتے ہوئے پیش آئے. قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کی طرف جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے بازو جھکا دو ان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان، ان کے لیے اپنے بازو جھکا دو، مطلب نرم بن جاؤ، رحمت کے پیکر بن جاؤ، محبت و شفقت کا اظہار کرو ان کے لیے. اور اہل ایمان کی شان جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نیک بندے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، کہ مومنوں کے لیے نرم اور بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت اور فولاد ہوتے ہیں. پوری آیت یہ ہے: ومن يرتد منكم عن دينه، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرے گا، فسوف يأتي الله بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو پسند ہے، یحبہم، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے،
काफिरों के लिए सख्त होंगे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। जाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। तो ये सारी सिफत उस कौम की बयान फरमाई जो अल्लाह को पसंद है कि तुम अगर अच्छे नहीं रहोगे तो फिर अल्लाह ऐसी कौम पैदा कर देगा जिनके अंदर ये बातें होंगी। तो उसमें मोमिनों के लिए नर्म होना और काफिरों के लिए सख्त होना। काफिरों से मुराद जो खिलाफ है, इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है अहले हर्ब, उनसे फिर मुकाबला करना, उनके सामने कमज़ोर ना पड़ना और इस्लाम को कमज़ोर ना होने देना। तो उनके सामने डटना है ताकि इस्लाम का सर ऊंचा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो। तो हल्का यारा तो परेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो परेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ बातिल हो तो औलाद है मोमिन। यानी अपने यारों की मजलिस हो तो रेशम बन जाता है मोमिन, और जब हक़ बातिल की जंग हो तो फौलाद बन जाता है मोमिन। मसाफे ज़िंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शबिस्तान मोहब्बत में हरीर व परनिया हो जा। ज़िंदगी की सफ़ों में फौलाद की सिफत इख्तियार करो कि जो कोई कठिनाई आए, परेशानी आए तो उसके सामने सिपर न डालो, और मोहब्बत के बाग में फिर रेशम जैसी और गुलाब जैसी सिफत इख्तियार कर लो। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सिफत कुरान शरीफ में बयान फरमाई, वइबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन में तवाज़ों के साथ चलते हैं, तवाज़ों के साथ चलते हैं, सुकून व इत्मीनान और वक़ार, मताना, संजीदगी, शराफत के साथ चलते हैं। चलने का क्यों जिक्र किया कि ज़मीन में शराफत के साथ चलते हैं? अल्लाह के रहमान के महबूब बंदे वो हैं जो शराफत के साथ चलते हैं, वक़ार और मतन। चाल से पता चल जाता है कि ये आदमी मुतवाज़े है कि तकब्बुर करने वाला है। चाल ये अक्कास होती है, तर्जुमान होती है, वो जाहिर कर देती है। इसलिए अल्लाह ताला ने चलने को इरशाद फरमाया, वरना मतलब है तवाज़ों के साथ रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन चाल ढाल से आदमी का पूरा सामने आ जाता है जो अंदर है उसके। बार बार कंधों पर देखना और थोड़ा सर ऊंचा करना और सलाम का जवाब भी आधे मुंह से देना, ये सब चलने के अंदाज होते हैं जो मुतकब्बिरीन की शान होती है, तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती। मुतकब्बिरीन अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते हैं, और तवाज़ो करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद आते हैं। हदीस में फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा तवादा अब्दुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहु अल्लाह, बंदा जब भी अल्लाह के लिए झुकता है तो अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। अल्लाह के लिए झुकना ये भी एक बात है, एक ये है कि आपका पाला किसी पहलवान से पड़ गया, उसने आपको मार दिया तो आप झुक गए, तो आप अपने लिए झुक गए कि क्या करते हैं, उसके सामने तो कुछ तारा चाराएकार नहीं है, झुकना ही पड़ता है, झुक गए तो वो तवाज़ो नहीं है। तवाज़ो ये है कि आपकी लड़ाई मद्दे मुकाबिल से हो रही है, आप भी उसका इंतकाम ले सकते हैं, आप उसको और ज़्यादा ज़रर पहुँचा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने तवाज़ो इख्तियार कर ली। तो ये तवाज़ो है अल्लाह के लिए। हक बात सामने आ गई तो इसलिए मैं मान गया कि हक बात मानने में अल्लाह ताला की रज़ा है तो झुक गए। बहुत सारे लोग जब हक बात भी सामने आ जाती है तब भी नहीं झुकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मूंछ छोटी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो है ये अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं फरमाता है। तवाज़ो के बारे में बुज़ुर्गों ने फरमाया कि तवाज़ो ये है
कि तुम हर एक शख्स को जो जिससे भी मुलाकात करो अपने से अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो और अपने आप को कमज़ोर समझो। हम लोगों की तो नफ्सियात ये है, और कहने वाला उसमें सबसे पहले अपने आप को समझता है कि समझता है अरे ये तो ऐसा ही है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। जिससे भी मुलाकात होती है, देखो ये मुझसे मिल रहा है तो मैं बड़ा आदमी हूँ इसीलिए तो मिल रहा है, तो ये गलत बात है। मानना ये चाहिए कि ये मुझसे बड़ा आदमी है और इसके अंदर खूबियाँ हैं, मेरे अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं तो इसके अंदर खूबियाँ हैं। ये भी तवाज़ो है कि जो भी मिले आप उसको सलाम में पहल करें, बच्चे को भी सलाम कर ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ और नमूना छोड़ा है कि बच्चों को भी सलाम कर लेते थे आप। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों के पास से गुजरे और उन्होंने सलाम किया, फिर फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही गुजरे थे बच्चों के पास से और आपने सलाम किया था। तवाज़ो की एक मिसाल एक वाकया है कि तवाज़ो कैसी बुज़ुर्गों में होती थी हमारे। एक वाकया हमें याद है, आपको सुनाते हैं। एक बड़े मुहद्दिस हैं अब्दुर्रहमान इब्ने महदी, तो इस वक्त वो छोटे थे जब ये वाकया पेश आया अब्दुर्रहमान बिन महदी, लेकिन बड़े मुहद्दिसीन में एक शान है उनकी, और एक उनके उस्ताद थे, उनके उस्ताद उबैदुल्लाह अंबरी गालिबन। तो वो एक जनाजे में शरीक शिरकत के लिए दोनों गए। वो लोग तो इल्म के हरीस थे, तो वहीं एक मसले में बातचीत करने लगे। तो उनके उस्ताद ने मसला बताया, उन्होंने कि इस मसले में ये राय है। तो ये जो छोटे थे बच्चे उनके शागिर्द थे, ये कहने लगे हजरत ये राय नहीं सही मालूम होती है, या उन्होंने अपने तौर पर कहा कि मुझे ये राय समझ में आती है कि इसमें ये जवाब होना चाहिए इस मसले में। तो उन्होंने फौरन जैसे ही उनकी बात सुनी और उसको समझ लिया कि ये सही है, मुझसे गलती हो गई है, तो कहने लगे इज़न अरजिअ इला क़ौलिका या गुलाम अन अकूना ज़नबन फिल हक़ अहब्ब इलैया मिन अन अकूना रअसन फिल बातिल। कि तब तो बच्चे हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, अपनी बात से हम रुजू कर लेते हैं, अपनी बात को वापस ले लेते हैं, तुम्हारी बात तस्लीम कर लेते हैं, और हम हक मानकर दुम बन जाएं, ये बेहतर है कि बातिल को इख्तियार करके सर बने। अरबी का जुमला बहुत ही प्यारा है, बातिल में सर हमारा ऊंचा हो जाए, इससे बेहतर ये है कि हम हक को तस्लीम करके दुम बन जाए, मतलब छोटे बन जाए, तो ये हमें पसंद है। तो ये बहुत ही अहम सिफत है। किसी ने तवाज़ो की ये तारीफ की कि तवाज़ो ये है कि अगर आपके छोटे ने भी कोई सही बात कही, सही राय दी, सही बात बताई, तो भी कबूल कर लो। जाहिल भी कोई सही बात बता रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आलिमों से गलती हो जाती है और जाहिल सही बात कह देता है कभी, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो जाहिल है, तो उसकी भी बात मान ली जाए। तो ये तवाज़ो की सिफत है कि इंसान तकब्बुर ना करे। तवाज़ो का मतलब होता है तकब्बुर की जिद है, तकब्बुर और तवाज़ो। तो तकब्बुर ना करना, अपने आप को छोटा समझना। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता वाला तमशी फिल अर्द मराहा, ज़मीन में अकड़ करना चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, वलन तबलुगल जिबाला तूला, और तुम पहाड़ों की बुलंदी तक नहीं पहुँच सकते। एक जगह इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला इतराने वाले फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करते। बाज़ लोगों की आदत होती है अपनी मदह सराई की, के बस अपना तज़करा करने लगते हैं तो फिर रतबुल लिसान हो जाते हैं, मज़ा आता है उनको अपना जिक्र करने में, अपनी खूबियाँ बयान करने में। ये अच्छी बात नहीं है, आपकी खूबियाँ आपकी ज़बान से सामने आए ये अच्छी बात नहीं है, दूसरे की ज़बान से सामने आए ये अच्छी बात है।
अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम वा अअलमु बिमन तक़ा, कि तुम अपने आप की तारीफ ना करो, अपने आप को पाक साफ मुबर्रा मुज़क्का ना कहो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हुवा अअलमु बिमन तक़ा, कौन ज्यादा तकवे वाला है, अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। तो तारीफ हो तो आदमी उस तारीफ की तरदीद करे और अपनी गर्दन झुका ले, यानी कि तारीफ हो रही है तो फिर अपनी गर्दन ऊँची के, हाँ हम तो इसके मुस्तहिक नहीं हैं, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये तारीफ जो है ये हमसे ज़्यादा है या हम इसके मुस्तहिक नहीं हैं। ये सब तवाज़ो की शान है। बच्चों के साथ भी नरमी करना। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल लिबासा तवाज़ुअन लिल्लाह व यक़दिरु अलैहि دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء, कि जो लिबास को छोड़ दे अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करते हुए, हालांकि वो लिबास पहन सकता है, 500 रुपये मीटर 1000 रुपये मीटर का कपड़ा पहन सकता है, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया कि ये तवाज़ो के ख़िलाफ़ है, बड़ी शाइनिंग है इसमें और बड़ी ज़र्क बर्क है ये, और मैं जो है अलग ही मुमताज़ नज़र आऊँगा, और बहुत सारे फ़ुक़रा का, गरीबों का, छोटे लोगों का दिल दुखेगा कि देखो इसके पास है तो ये पहन रहा है। तो अल्लाह के लिए छोड़ दिया उसने वो लिबास, मामूली लिबास पहना, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको क़यामत में बुलाएगा और उसको ईमानी जोड़ों में इख्तियार देगा कि जो जोड़ा चाहे चुन लो, वहाँ रेशम सब मिलेंगे, सब जायज़ होंगे, वहाँ का रेशम भी आला होगा। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने इसीलिए रेशम को हराम कर दिया है, सोने को हराम कर दिया है मर्दों के लिए, बहुत सारी चीज़ों को सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना हराम कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें तवाज़ो को छीन लेती हैं, तकब्बुर इंसान के अंदर पैदा करती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें तवाज़ो की सिफत अता फरमाए। ज़िल्लत नहीं है कि जलील करना मुराद नहीं, एक ये है कि आपको जलील किया जा रहा है तो वो जिल्लत गवारा करना वो नहीं, बस मतलब अपनी इज्जत होने के बावजूद अपने आप को छोटा करार देना, छोटा समझना, ये है तवाज़ो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।